मेरे प्यारे दोस्तों, देश भर में जोरदार धमाका कर रही द कश्मीर फाइल्स पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार बहुत धमाकेदार बयान निकल करके सामने आया है, जिससे कई लोगों की सांसें फूलनी अभी से शुरू भी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में बिना किसी का नाम लिए कुछ लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रहार भी कर डाले हैं। प्रधानमंत्री ने इस फिल्म का नाम लेते हुए कहा है, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में लगातार बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्मों से समाज में सच निकल कर सामने आता है। पीएम मोदी ने कहा, 32 सालों से जिस सच को, जिस अत्याचार को, जिस पीड़ा को लगातार छिपाया दबाया जा रहा था, अब वो सच सारी दुनिया के सामने बाहर आ रहा है। पीएम मोदी ने एक साथ इस भांड बॉलीवुड और देश के कुछ भ्रष्ट नेताओं पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा है कि जो लोग इस सच को छिपाने की और मिटाने की कोशिशें किया करते थे, वही सेम लोग आज इस फिल्म द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि हाल ही में पीएम मोदी ने इस फिल्म का प्रमोशन तब किया था जब कपिल शर्मा और पूरे के पूरे बॉलीवुड नचनियों ने इस फिल्म को एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। कोई भी इस फिल्म को लेकर अपने मुंह से एक शब्द भी उगलने को तैयार नहीं था। मानो कि मुंह में सारे के सारे लोग दही जमा कर बैठ चुके थे। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री से मुलाकात करी, और जैसे ही यह तस्वीरें बाहर आईं, मानो इस फिल्म को देखने के लिए पूरे तरीके से हाहाकार मच गया। लोग सिनेमा हॉल्स में जमीन पर नीचे बैठकर फिल्में देख रहे थे। हर शख्स जो भी इस फिल्म को देख रहा है, उसकी आंखों में जितने आंसू नहीं हैं, उससे ज्यादा तो अंगारे भरे हुए हैं कि समाज के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना भयंकर अत्याचार आखिर कैसे हो गया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों को दिखाती यह फिल्म पूरे भारतवासियों के दिल में उतर चुकी है। और लगातार करोड़ों लोगों की भावनाएं इस फिल्म के साथ दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस भांड बॉलीवुड ने इस सेंसिटिव इशू पर पहले भी अपनी फिल्म बनाई थी, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने अपना गंदा एजेंडा फिट कर दिया था और पीड़ितों को ही आतंकवादी दिखा दिया था। लेकिन अभी की कश्मीर फाइल्स ही इकलौती एक ऐसी फिल्म है जिसने पूरी गहराई और निष्पक्षता के साथ सारा सच लोगों को दिखाने का काम किया है। मैं फिर आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने अभी तक कश्मीर फाइल्स देखी या नहीं? अपना जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।